राम राम सर, मैं हूँ प्रिया। मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रोसिस रिएक्शन 2.0 में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं यम डोंगा मूवी के एक और सीन जिसका नाम है जूनियर एनटीआर। हाँ, डायलॉग बहुत। तो सबसे पहले हम ये सीन देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ये तो यम की रस्सी आती है ना। ओके, मतलब इसने कुछ प्लान भी करके उनको थोड़ा बुद्धू बना दिया और खुद ने यम की वो पावर ले ली है। बहुत सही लग रहे यार। देख यार, क्या बात है। ऐसे देख। उनके सिंहासन में बैठ गए, अब असली यमराज कहाँ है। मजे करो। ओके, असली यमराज तो यहाँ पे है, वो उनको शोर सुनाई दे रहा है। ये शोर कहाँ से आ रहा है? नीचे पार्टी चल रही है यम लोग ना, पार्टी। ओ चित्रगुप्त नहीं सुन रहे। ओ यम के सामने यम, ओ नीचे मतलब पहले जिंदा थे तब। మీ ఉపసాధించవలన నిరపించిన మానవుడు మా పీఠమున కేసులు పెట్టుటయా? ఒరే మానవ, అతి తప్పినదా మతమెక్కినదా? ధర్మాసనమును స్పర్శించుటకు అర్హత లేని నీవు దానిని అధిష్ఠించుటయా? माफी मांग लो। ओ ये मन थीवी मानव जाति नीचमा మానవ
మానవ జాతి తన భక్తితో సాక్షాత్ పరమశివుడినే ప్రతిష్ఠించింది. మాతమును సైతం కట్టిపోచగా నుంచి ప్రాణహరులైన భీములనే ప్రాణభయంతో పరులెత్తించినవాడు మార్కండేయుడిదే జాతి మానవ జాతి. నీచ నీచమన్న మా జాతి మూలమున ఏనాడో అప్రతిష్ట మూట కట్టుకున్న మీరు నేడు జాతి జాతి అని మమ్ము అవహేళన చేయుటయా. ఎంత వివేకం ఎంత జ్ఞానం ఎంత కుసంస్కారం. ఏటి నుంచి దేవుడు అధికుడు నరుడు అధర్ముడు ఉన్న కిచ్చ భావాన్ని కూకటి వేళ్లతో సైతం పెగలించి వేసిన ముక్కులు పొందే ముక్కొట్టి దేవతలు దిక్కునెలే అష్టదిక్పాలకులు మరుగుడినిచ్చే పంచభూతములు సైతం జయహో నరుడా అని హర్షించు విధముగా సింహాసనం అధిష్ఠించిన क्या बात है. ओ एनी डाउट. ओ क्या बात है. ओ इनमें भी पावर है ना वो, क्योंकि वो डेथ रूप तो इनके पास ही है. हो पावर पावर है भाई, ये उनका पावर है. क्या बात है. सो गाइज ये था यमडोंगा मूवी का मतलब जूनियर एनटीआर डायलॉग वॉर. क्या शानदार था यार. सबसे अच्छा मेरे को मतलब ये लगा कि वो जैसे ही वो डेथ रॉक उनके हाथ में आता है फिर जो उनका वो जो कॉस्ट्यूम दिखाते हैं बहुत तगड़े लगते हैं यार. सही दिखाया और चित्रगुप्त को वो अपनी बातों में लेके आ जाते हैं कि भाई वो बोलते हैं कि भाई मैं यमराज हूँ और मैंने मतलब रूप ग्रहण किया है इसका. तो उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर उनको वो रोप दे देते हैं और फिर मतलब उनका जो लुक चेंज होता है पूरा एकदम बहुत तगड़े लगते हैं. और फिर दोनों यम की आपस में जब फाइट होती है डायलॉग वाली पहले तो बहुत सही होती है कि वो बोलते हैं कि तुम मनुष्य ऐसे हो वैसे हो वैसे हो बहुत चीप होते हैं मानव जाति तो. और फिर वो जो मानव जाति के एग्जांपल्स सावित्री मारकंडे सबके वो एग्जांपल देते हैं. तुमको भगाया था मारकंडे ने तो और सावित्री मतलब ये सबको पता ही है वो स्टोरी तो कि भाई तुम जब मतलब उसके पति को लेके आए थे तो वो तुमसे वापिस लेके गई अपने पति. तो वो मानव जाति में भी थी क्योंकि ये बहुत ही अच्छे अच्छे डायलॉग्स थे. और फिर वो मतलब गुस्से में आके वो अपनी गदा फेंकते हैं उनके सामने और फिर वो उनके पास ही पावर आता था क्योंकि उनकी रोप और वो सब उनके पास होती है जूनियर एनटीआर सर के पास. तो वो उसको मारते तो वो पूरी उनकी गदा टूट जाती है पूरा महल मतलब अस्त व्यस्त हो जाता है. और सबसे मतलब ये सीन तो अच्छा था ही बट जो इससे पहले वाला सीन था जिसमें वो बोलते हैं कि अब बस कुछ नहीं करना है बस पार्टी करनी है तो पार्टी चल रही होती है. और ऊपर से यम जो मतलब एक्स यम बोल सकते हैं क्योंकि अभी प्रेजेंट तो एनटीआर सर है तो वो ऊपर से आवाज सुन के फिर नीचे आते हैं कि हो क्या रहा है मेरे लोक में. और वहाँ एकदम खतरनाक वाली बहुत फनी सीन भी था काफी मजा आया. मतलब ये कॉमेडी वे में मूवी बनाई हुई है ना तो आप जब भी ये देखोगे ना तो आपके चेहरे पे स्माइल आएगी आएगी. और सर के जूनियर एनटीआर सर के डायलॉग बोलने का तरीका और लग भी कितने अच्छे रहे और जब वो ऐसे मूंछों को अपने ताव देते मतलब और भी और वो एक स्माइल उनकी मतलब वो बहुत ही पूरे मूवी में आपको स्टार्ट से एंड तक मतलब अभी तक में हमें वो देखने को मिली है. तो हमें काफी अच्छा लगा. अब यम बन के क्या करेंगे वो देखने लायक होगा. तो हमें ये सीन काफी अच्छा लगा. आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना. और अभी करते हैं इस वीडियो को एंड. आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा. पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना कमेंट करना सजेशन देना और अपना सपोर्ट चैनल पे भी बनाए रखना. सो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.